दोस्तों आज के समय में लोग विज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं। विज्ञान ने आपको चांद पे पहुंचा दिया, इसलिए आप लोग ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है, हमारे विज्ञान ने चांद पे पहुंचा दिया है। अब घुस भरगत बुद्धि में तो भगवान दिखाई दे रहा हो। जे नहीं ये बताओ, जो मोबाइल जोड़ रखे हो तुम, ये क्या तुम्हारे भगवान ने उधर? विज्ञान भी भगवान की ही देन है। कहने का मतलब ये है कि मैंने कितनी बार कहा कि इंसान को भगवान ने बनाया, वो डॉक्टर भी बना तो वो भगवान का बनाया बना, या फिर वास्तविक भगवान भी विज्ञान ही है। अगर भगवान 2 साल बरसा नहीं कहे, 2 साल बरसा तो तुम कोलगेट ना खा लो। कहता हूँ भाई साहब से, ये जो वेदों की जितनी बात कर रही है हर जगह अपने विश्व में, ये तो 4 वेद और 6 शास्त्र और 18 पुराण, ये टपके नहीं है कहीं रूस ना जापान में, और टपके हैं सिर्फ इस भारत में। रही बात आपकी, जे के वैज्ञानिक ने दवाई बना दी कोरोना की, तो जिस वैज्ञानिक ने वो दवाई बनाई थी उस वैज्ञानिक को परमात्मा ने ही वो बुद्धि दी थी, उसकी अकल खोली थी, तब जाकर के उसने वो दवाई वैक्सीन बना पाई थी। इसके पहले क्यों नहीं बना पाई? सुनो हमारी बात, वो भगवान की दी हुई बुद्धि थी इसलिए उसने रिसर्च किया था। अभी भगवान किसी का इसको ढीला कह दे और क्या नाम से थोड़ा सा वो माइंड थोड़ा घुमा दे तो वो पागल हो जाएगा। वो वैज्ञानिक घूरे पे जाकर के ऐसा पन्नी ढूंढते फिरेगा, पन्नी बटोरेगा घूरे पे जाके। देखिए, इनका कहना है कि जो आप विज्ञान विज्ञान बोल रहे हैं, जो दवाई के विषय में आप बोल रहे हैं, तो आपके वो डॉक्टर थे ना, उनको सद्बुद्धि भगवान ने ही दी थी, तभी जाकर आपके जो डॉक्टर है वो ऐसी दवाई बना पाए। अच्छा बताइए सर, अब आप लोगों का क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि अभी भाई साहब ने ये बोला कि साइंस को भी भगवान बुद्धि दे रहा है, तो इनसे ये पूछिए, साइंस कोई चीज का आविष्कार करती है तो कभी कभार वो फेल भी हो जाती है। तो ने वैक्सीन रिलीज की थी, उसमें लाखों लोग मर गए थे, तो आपके भगवान ने तो अपने सद्बुद्धि दी थी, आपने तो अपने बच्चों को मार दिया अपने भगवान ने, इसका मैं आपको जवाब चाहिए आपसे। बताइए सर क्या कहोगे इस विषय में आप लोग? देखिए, इनने कहा है कि जो वैक्सीन बनाई थी और फिर उनने तुम ना कह रहे कि भगवान ने तुम्हारे दी थी, तो क्यों मर गए? भगवान ने भी वही बुद्धि दी होगी जिससे वो खराब वैक्सीन बन गई। देखिए, यहाँ पर एक भगवान की खराब बुद्धि करे, यहाँ पर मतलब ये हो रहा है कि उनके संस्कार ऐसा था, क्योंकि वो संतराम जैसे हमने उत्तर दिया, देखो हमारा उत्तर था कि सत भक्ति करने वाले। सुनिए भाई, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो मतलब कुछ भी कहते रहे, साइंस यूज करते रहे, जिंदा रहे, ऐसा नहीं है। भगवान का मतलब क्या हुआ? जो भगवान के आधार से सत भक्ति करेगा, अभी मैंने भी पहले कहा था सत भक्ति करने वाले के साथ नहीं होगा। अब वे थोड़ी सत भक्ति कर रहे थे, वो तो संसार अब ऐसे कई घटनाएं घटेंगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बाण जो भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणी वाणी की है, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि ऐसा होगा जो नास्तिक तौर पे हैं, जो भगवान को नहीं जान रहे हैं, उनके साथ ऐसी कई घटनाएं घट सकती हैं। अभी तो अकेला कोरोना आया, ऐसी कई बीमारियां आ सकती हैं, फ्लैट आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। जो पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं होगा उनके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी। हाँ, भगवान वहाँ रक्षा तो करेगा, खतरनाक वायरस आया, भगवान वहाँ रक्षा करेगा। किन की करेगा? जिनके हृदय में थोड़ा भी भगवान के लिए जगह होगी उनकी रक्षा कर देगा, और जो नास्तिक होंगे वो तो मरेंगे ही मरेंगे। क्यों? यहाँ पर स्वर्ग जैसा माहौल बनना है। जब धरती पर भगवान आता है तो धरती बनेगी स्वर्ग समान और सुखी होगा हर इंसान, और जो नास्तिक है इनके माए स्वर्ग समान कैसे मन पे? तो जे काल भगवान ने इनको ऐसी प्रेरणा दी कि उनके कर्म उनके ऐसे खराब हैं कि वे तो मने ही, काल भगवान देखो यहाँ काल भगवान का काम है वो मारता है, और जो सद्भक्ति करते हैं उनके साथ नहीं होता है। और आपने कई साइंस की बात, तो हम साइंस की एक और बता दें, आपकी साइंस ने जगह नहीं बना पाई थी उनको रखबे की मरीजन के लिए, जहाँ पर आप खड़े हो इस बैतूल आश्रम में। सुनिए, आपके भगवान ने आपके भगवान ने रामपाल जी महाराज जी ने एक मतलब 1000 तो पलंग डलवा दे इसी आश्रम में उस समय, और पूरी उनकी कोरोना काल में उनकी पूरी सेफ्टी की थी, और जो भी वहाँ पर थे सबके खान पीन देख रेख सारी सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने की, और लाखों लोगों के लिए ब्लड दिया, लाखों लोगों के लिए, और हर उसमें ब्लड डोनेट करके हम लोग देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा के कारण। जो नहीं खरीद सकते हैं, जो बीमार रहते हैं उनके लिए ब्लड डोनेस कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से बहुत कुछ मिल रहा है, आप विज्ञान को अकेला बढ़ावा नहीं दो। बंदी छोड़। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? साहब जैसे कि अभी बोला है कि कोई काम खराब हो तो उसको संस्कार पे डाल देते हैं ये, और ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 1000 पलंग लगा दिए, तब साइंस ने जगह नहीं बना पाती थी तो आपने आपके भगवान ने उतनी बुद्धि दी होगी जितनी जगह बनी होगी। सेकंड चीज कि साइंस के बिना कुछ है ही नहीं है, कि आप अभी आप भगवान को एक तरफ, संत रामपाल जी महाराज जी को एक तरफ, मैं समझ में नहीं आया भगवान किसको मानते हैं। बताइए क्या कहोगे इस विषय में आप लोग? हम आपसे जा कंचाया भाई साहब,
कि भगवान संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सदग्रंथों को खोल करके बताया है कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है और कैसे मिलता है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी का है कि आप जैसे जो विज्ञान के अंधभक्त हैं उनको समझा वो ऐसा है कि पत्थर में पानी निकालने के बराबर है। आप लोग समझ वो नहीं चाह रहे, आप तो चाह रहे हैं कि विज्ञान ही भगवान है। सही बात कह रहे हैं हम, सुनो तो मान इसलिए रहे हैं क्योंकि सुबह उठते हैं ना कॉलगेट से लेके फोन से लेके शाम के खाने तक का डिनर से लेके सब कुछ साइंस मतलब साइंस ही में रह रहे हैं, मतलब उसको यूज कर रहे हैं, हमें फील कर रहे हैं, भगवान को फील नहीं कर रहे हैं। जब मेरे को कष्ट हो जाता है ना मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, भगवान के पास नहीं, वो मेरे को रिलैक्स दे रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं, मैं उनको मानूंगा। आपके भगवान कहाँ मेरे को सुखी कर रहे हैं। बिल्कुल सुनो हाँ जी भाई साहब, कह रहे हैं कि हम सुबह से उठते हैं तो कोलगेट कहते हैं, जब कोलगेट नहीं हतो ना तब हम नीम की दातन कहते हो, आज भी कहते हो भगवान ने पैर ही से व्यवस्था बना के दी थी, एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हम खाते पीते हैं तो विज्ञान की चीज़ें इस्तेमाल कहते हैं, अगर भगवान दो साल बरसा नहीं कहे दो साल बरसा तो तुम कोलगेट ना खा लो, समझ रहे आप। तुम्हारा पेट भरे जब अन्न में ले जब बस ही ना कहे भगवान तो तुम कोलगेट खा के ना फैल जाओ, समझ रहे हमारी बात। इसे हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो विज्ञान को चक्कर छोड़ो, विज्ञान कुछ नहीं है भगवान के सामने, भगवान ही सब कुछ है। अच्छा और रही बात दूसरी, भाई साहब कह रहे हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो विज्ञान के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। भाई साहब जब किसी को कैंसर हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट चलता है, इलाज चलता है। लेकिन जब डॉक्टर फेल हो जाता है तो उसके घर वालों से कहता है कि भैया अब हमारे बस की नन्या, अब इसको घरे ले जाओ, महीना दो महीना का मेहमान है सो ये जाने वाला है, हमारे बस की नहीं, ऐसे हाथ खड़े कर देता है तुम्हारा वैज्ञानिक कि भगवान के भरोसे छोड़ दो। इसके बाद जब वो उसको पता चलता है कि वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो सद्भक्ति करा रहा है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करा रहा है, जब उसको जानकारी लगती है तो फिर वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आता है। जब वो शरण में आ जा सुनो तो जब वो शरण में आ जाता है तो डॉक्टर कह रहा था कि तुम एक महीने बाद मर जाओगे, फिर संत रामपाल जी महाराज उसको दीक्षा देते हैं और गारंटी देते हैं कि एक महीने बाद नहीं, अब तुम अभी नहीं मरेगा, तुम्हारा रोग भी ठीक हो जाएगा, अगर तुम भक्ति करोगे तो इसी जीवन में तुम्हारा मोक्ष होगा, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक तुम मरोगे नहीं, इस बात की संत रामपाल जी महाराज जी गारंटी देते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम 7 दिन में मर जाओगे और वो कम से कम 50 साल से जी रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए सद भक्ति कर रहा है, मरी नहीं, चले जाओ देख लो। बताइए क्या कहना चाहोगे आप? छोटा सा प्रश्न है, आप भगवान को दर्जा आप संत रामपाल जी महाराज जी को दे रहे हो और आपने ये भी 2 मिनट पहले बोला कि माँ के रोग गर्भ में उल्टा लटके होते हैं, तो आपके संत रामपाल जी महाराज भी पैदा हुए थे तब साइंस ही काम आई थी, आपके भगवान पैदा से होने से पहले मतलब ये कार्य चल रहा था, और आपके संत रामपाल जी महाराज ने कोई अनोखा नहीं कर दिया है, वो भी तो गर्भ में थे, उनको भी किसी ने पोषण किया है, तब नहीं चल रहा था क्या? तब वो डॉक्टर ही था, उनने उसका जन्म दिया, उन्हें बाहर निकाला, तब वो डॉक्टर ही था। जरा गौर से सुनिए, हमारी सुनो तना, हम जा कह रहे हैं आपसे के आप जो माँ के गर्भ में हते, हम जो माँ के गर्भ में हते, होते तुम्हारो कौन सो वैज्ञानिक होते पोषण कर रहा हो तो न्यूटन आओ तो के तुम्हारो संत रामपाल जी महाराज जी भी नहीं थे जब आपके संत रामपाल, एक सेकंड, आपके संत रामपाल जी महाराज भी पैदा हुए थे तो आपके तब भगवान कोई और ही है। हम आपसे जब बोले जब आप माँ के गर्भ में थे तब कौन सा वैज्ञानिक वहाँ पर पोषण कर रहा था आपका, बताओ आप, सवाल का जवाब दो पहले। अरे और भी कोई भगवान है, सुनो आप टॉपिक चेंज कर रहे हो, सुनो हमारा आपसे सवाल ये कि जब आप और हम माँ के गर्भ में थे तब वहाँ पर कौन सा वैज्ञानिक आपका पोषण कर रहा था, माँ की नाभि से आपकी नाभि को किस वैज्ञानिक ने जोड़ा था, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। वहाँ पर जो आप लेट बात कर रहे थे वहाँ पर कौन सा वैज्ञानिक वहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाया था पेट में कि कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, आप बताओ 9 महीने तक वहाँ पर किसने जीवित रखा, वो कौन सा वैज्ञानिक? आपके संत रामपाल जी महाराज भी नहीं आए थे जब वो उत्पन्न हुए थे, हम आपसे पूछे होते कौन सा वैज्ञानिक, ना बताओ वैज्ञानिक हो पहले, ठीक है आपके ठीक नहीं है,
एक बात हमारी बात सुनना चाहो पहले हमें जी आप भगवान संत रामपाल जी महाराज जी को क्रेडिट दे रहे हो वो गलत है ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपके संत रामपाल जी महाराज भी भगवान नहीं है पूर्ण परमात्मा कभी सब हमारी रक्षा कर रहे थे परमात्मा की वाणी है सुनो हमारी पूरी बात सुनो हमारी पूरी बात सुनो पूर्ण परमात्मा कल थे आज है और रहेंगे हम तुम नहीं रहेंगे हमारी सुनो पहले पूरी बात और दूसरी बात जब आप माँ के गर्भ में थे तब परमात्मा की वाणी है आज तुम विज्ञान की बातें कर रहे होते भगवान ने तुम्हारा सहयोग करो तो तुम्हारी रक्षा करी परमात्मा की वाणी है के उस दिन को तू याद कर पग ऊपर तलसीस और इस दुनिया में आए के तुम भूल गया जगदीश जब तुम माँ के गर्भ में थे बड़ी पीड़ा हो रही थी जठरग्नि में जब तुम भगवान को याद कर रहे थे कि भगवान बड़ी दिक्कत हो रही है हम आए तुम्हारी भक्ति करें ये दुनिया में हमें नरक से बाहर निकाल लो और आज तुम नरक से बाहर निकल गए तो तुम भगवान को भूल गए आज तुम सबसे पहले वही भगवान को भूल गए और आज विज्ञान को भगवान बता रहे हो कि गुणगान गाए तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने मन से यार ये बताओ ये क्या कहना क्या अगर हम जैसे नाज नहीं बोए समझियो एक बात खिलाने नाज नहीं बोए तो कहा तुम्हारा भगवान डाल दे खावे हम जाके हाँ ठीक है आपने अन्न भाव सो आप कह रहे कि हमने कर्म करो हम मेहनत कर रहे तो हमें खावे मिल लो हम जा कह रहे कि आपने भगवान अगर भरोसा ना करे तो तुम क्या करो बीज बो के हम जा कह रहे आपसे सुनो कल लो तुम कितनी मेहनत कर रहे हो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है अगर बरसा नहीं होगी एक बात और सुनो तुमने अपनी मेहनत पे अगर तुम्हें भरोसा है मेहनत कर ली तुमने और तुमने पीसी बो दी और गेहूं तुम्हारा तैयार हो गया इसके बाद अगर जब ओले गल जाएंगे फिर तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सारी बेकार हो जाएगी तो भगवान को शुक्रिया अदा करो भगवान से प्रार्थना करो कि हमें सदबुद्धि ने तुम्हारे की बुद्धि विज्ञान ने कुंद कर ली विज्ञान ने आपको चांद पे पहुंचा दिया इसलिए आप लोग ज्यादा बोल रहे हो ठीक है हमारे विज्ञान ने चांद पे पहुंचा दिया है अब घुस भर गए बुद्धि में तो भगवान दिखाई दे रहा हो जे नहीं जे बताओ जे मोबाइल जो रखे हो तुम जे क्या तुम्हारे भगवान ने उधर से ले आकर दिया भगवान किस भगवान की बात कर रहे हो भगवान की बात कर रहे हो सुनो जब ये मोबाइल नहीं था सुनो हमारी बात जब जो तुम्हारा विज्ञान नहीं है तो तब जो मोबाइल को काम होबू करे तो सुनो हमारी बात जब विज्ञान नहीं था तब मोबाइल का काम होता था आपने सुना होगा जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब संजय को दिव्य दृष्टि दी थी क्या नाम महर्षि वेदव्यास ने वो आध्यात्म से दी थी वो सारा का सारा वीडियो कॉल पे वहीं से देख रहा था कि युद्ध में कौन किसको मार रहा है सुना है तुमने कि नहीं सुना है तो जो विज्ञान ने भी पहले से ही भगवान ने बनाया था तुम बोल रहे हेलीकॉप्टर रावण का भी था पुष्पक विमान वो भी जहां चाहे चला जाता था तो ये सारी चीजें पहले से थी तुम्हारे विज्ञान ने नहीं बनाई जो भगवान की बनाई हुई चीजें हैं समझ रहे हो और सुनो दूसरी बात आप जो बोल रहे कि हवाई जहाज से वहां पहुंच गया चंद्रमा पे अरे चंद्रमा भगवान ने बनाओ कौन से वैज्ञानिक ने बनाओ चंद्रमा पता नहीं कहां पहुंच गए और सुनो तुम विज्ञान के जो गुणगान कर रहे अबे हाल तुम्हारा वैज्ञानिक फेल हो जाए अबे अगर भगवान तुम्हारी सांसें बंद कर दे इतना ही तुम मर जाओगे तो विज्ञान तुम्हें जीवित नहीं कर पाएगा भगवान चाहे तो वो जिंदा कह देगा और कुछ भी तुम्हारे भगवान ने अगर जो चंद्रमा बनाया तुम कह रहे चंद्रमा बनाया तो क्या तुम्हारे भगवान के जो चंद्रमा बनाने से तुम उससे क्यों बचते हो फिर क्यों बचते हो भाई हमारे साइंटिस्ट लोग क्यों भगते हो कि हमें बीमारी हो गई हमें घाम लग गया हमें जी हो गया हमारे साइंटिस्ट की क्यों दवाई लेते हो तुम इन लोगों का कहना है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आप लोग शिष्य हैं अगर आप लोग बीमार पड़ जाते हैं तो आप लोग अपने भगवान के पास जाइए आप लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं उनकी दवाई क्यों लेती हैं बताइए देखिए पहले ही बात तो जान ने कही सो जा भी ठीक है कि भगवान रामपाल जी महाराज जी के पास जाइए उनके पास डॉक्टर के पास नहीं जाइए तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने कितनी बार कहा कि इंसान को भगवान ने बनाया वो डॉक्टर भी बना तो वो भगवान का बना भगवान ने डॉक्टर साइंस ने बना के भेजो डॉक्टर की ने बना हुआ आदमी को जो साइंस डॉक्टर बना जी ये भगवान के बनाए हैं की के बनाए हैं जी जितने भी जीव आत्मा है बनाए की नहीं भगवान ने बनाए कि नहीं अगर हुए बुद्धि दही साइंस बनो वो विज्ञान बनो कछु भी बनो जो भगवान ने बनाओ गए भगवान ने मनुष्य शरीर बनाओ भगवान ने बुद्धि दे के बनाओ जो सिस्टम सब भगवान बना रहो ना कि तुम्हारी साइंस ने नहीं इंसान बना के भेजो आज हमें ये बताओ आप कि जैसे कोई पशु होता है और उसमें हम बीज डालते हैं ये आपने अच्छी तरह से सुना होगा वो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है ये आपके भगवान ने नहीं वहां से उतार के आए वो बीज जो बनाया है वो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है और बात रही उसकी कि जो हमारे जो आप अनाज खा रहे हो ना जो आप अनाज खा रहे हो वो अनाज में अगर हमारे साइंटिस्ट दवाई नहीं बनाए और जो 10 गुना आप पा रहे हो वो अगर नहीं अगर बनाया जाए तो आप बिल्कुल हम ये कह रहे हैं तराई तराई मच जाएगी तुम्हारे भगवान की हो तुम्हारी बताइए सर इस समय आप लोग क्या कह रहे हैं पहली बात इनने जो कहा है कि साइंस ने जो आपने
पशुओं में बीज डालते हो वो, तो हमें जो बता जो भज्जा तुमने जो सांस ने का घाय से बना के दो जो बीज इको अवस्था का घाय से कह के दो बीज को जो भी उन पशुओं से निकालो केवल वो डालवे की विधि बना रहा है यार तुम उनकी बुद्धि कितने गई का उनने बना लो का सांस बना बना लो जब सब उनने निकाला तो पशु से है तुम्हारी बुद्धि है कि चोर ले तुम्हारी बुद्धि खो यार निकाला तो पशु से है उखो। अच्छा ठीक है दूसरी बात सुनो दूसरी बात आप कह रहे कि जो दवाई को बस का दवाई को बस कहाँ से है तुम्हारी विज्ञान जितने भी पेड़ पौधा है पृथ्वी पे भी है तो पृथ्वी पे भगवान के बनाए हैं वही से कह तुम्हारी सांस बना लेते का उनकी दवाई कहाँ से बनाओ दवाई भी जितनी बनत वो भगवान के बनाए पेड़ पौधे से बनत जितनी भी जड़ी बूटी है उनसे बनत तुम्हारी सांस अलग से बना के लिया भाई धरती से कछू ना लेवे वायु से कछू ना लेवे पांच तत्व जो यहाँ पे भगवान ने बना के रहा इसे कछू ना ले और फिर सांस बना के दिखाए कछू बताओ देखो बताएं जैसा आप सही कह रहे हो। देखो आज हमारे भारत देश में धार्मिकता का देश कहा जाता है ठीक है सब लोग जानते हैं विदेश वाले लोग भी जानते हैं और जितने भी जो वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ धार्मिकता है ठीक है हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा करोड़ों और लाखों लोग भक्ति कर रहे हैं डेली ठीक है पूजा पाठ कर रहे हैं सब कर रहे हैं और धाम पर भी जा रहे हैं कई जगहों पर जैसे केदारनाथ और भी कई जगह जा रहे हैं कई सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो अगर वो भगवान के पास जा रहे हैं तो फिर एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं क्यों वो पहाड़ से नीचे गए जा रहे हैं बताइए आप। जो भी जहाँ जा रहे हैं वो सत भक्ति नहीं है कितनी बार कही के संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जो भी भक्ति करता है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिब्बा छोड़ के जो भी भक्ति कर रहा है जो जैसे केदारनाथ जा रहा है बद्रीनाथ जा रहा है गंगा जी जा रहा है इलाहाबाद जा रहा है चित्रकूट जा रहा है कहीं भी जा रहा है ये सब मनमानो आचरण कर रहे और मनमाने आचरण के लाने अपनी गीता जी में लिखो अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के अपनी इच्छा से मनमाने आचरण कहते हैं ना तो उनका मोक्ष होता है ना गति होती है ना किसी प्रकार का सुख होता है उन्हें अपने कर्म फल भोगना पड़ेंगे कर्मों का फल काटने के लाने वो तत्वदर्शी संत है वो तत्वदर्शी संत ही कर्म फल काट सकता है। सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोट और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे उके यम तोड़ेंगे होंठ विचार करो उस सतगुरु के तो सिजदा करूं जिनने कर्म छुटाए कोट ए हमारे कर्म हैं जो हम कर्म फल भोग रहे जिन कर्मन के कारण हमारे साथ दुख हो रहे वे कर्म केवल परमात्मा काट सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी काट सकते हैं वो सतगुरु की भूमिका आज वो ही कर रहे हैं। तो सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोट और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे उके यम तोड़ेंगे होंठ। तो भज्जा प्रार्थना है आपसे के शास्त्र के विरुद्ध साधना करने के बाद उसके साथ तो वही होगा उसके जो कर्म में है और जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति करता है उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटती है ना उसको कोई बीमारी होती है ना उसकी ऐसी अकाल मृत्यु होती है। देखो अभी सही कहा बात यहीं पर आकर खत्म हो रही है क्योंकि नास्तिकता की ओर आपकी बात हम मान रहे हैं नास्तिकता की ओर इसलिए लोग जा रहे हैं और साइंस पर इसलिए टेस्ट कर रहे क्योंकि जैसा कि आपने कहा भगवान तो ऐसे कई सारे ठेकेदार बैठे हैं भगवान को बता रहे हैं हम भगवान है वो कह रहे हैं ये भगवान है वो कह रहे हैं ये भगवान है तो लोग इसलिए कन्फ्यूज हैं ठीक है। दूसरा आप कह रहे हैं ना भगवान अब वो लगातार सब बाबाओं के पास जा रहे हैं और अपने मंदिर मस्जिद जा रहे हैं अब वो पहले आपने जैसे हिंदू धर्म में तो पहले मंदिरों में पूजा करते हैं उनको बांस लाभ मिलता है मस्जिद में जाते वहाँ से लाभ नहीं मिलता तो वो दरगाह मतलब क्या बोलते हैं गुरुद्वारे जा रहे हैं तो इस तरीके से वो भगवान को खोज तो देखो कर रहे हैं और लास्ट में जाकर नहीं मिले तो फिर वो क्या कहते हैं विज्ञान ही सब कुछ है भगवान भगवान कुछ नहीं होता। तो यह बताओ कि डिफाइन कैसे करें कि कुआ पूर्ण परमात्मा कौन है और किसको कैसा लाभ मिला क्योंकि देखो विश्वास तभी करें सेल्वेशन किधर मिलेगा जो कम्प्लीट सेल्वेशन जो मोक्ष है वो कम्प्लीट सेल्वेशन कहाँ मिलेगा सीधे लाइन में आए अब हम बता देते आपको जतनक सीधे आ गए तुम देखिए अब आपने कहा है कि हम बहुत सी जगह लोग जा रहे हैं उनको फिर भी दिक्कतें हो रही तो जितने भी धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं मैं दावा देता हूं इस बात का भारत में नहीं पूरे विश्व में जितने भी धर्म के ठेकेदार बैठे धर्म गुरु बने बैठे वे सब नकली हैं पाखंडी हैं ढोंगी हैं उनने ना तो अपने सदग्रंथ देखे ना कहूँ सदग्रंथ खोल के पढ़े हैं अगर केवल उनने उनकी ओर लेके सदग्रंथ रख के सामने लाल कपड़ा में बांध के उनकी ओर लेके भोली भाली जनता को गुमराह करके अपनी रोजी रोटी चला
चलाई और उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता भाड़ में जाए कछु भी हो, लेकिन केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो हमारे सदग्रंथों से खोल के प्रमाण दे रहे, ज्ञान दे रहे। उनकी पहचान गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक है कि वह तत्वदर्शी संत होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला होगा। तो आज तक के जितने धर्म गुरु हते इनने काउ ने नहीं बताई संसार रूपी रचना, केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई। और संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी ने नहीं वो मोक्ष मंत्र बताओ कि जो मोक्ष मंत्र 4 वेद 6 7 18 पुराणों में से प्रमाणित करके कि जो मोक्ष मंत्र है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है। 3 प्रकार के जो मंत्र का जाप करेगा उसका मोक्ष होगा, उसका कल्याण होगा, उसके पास कोई जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। बताइए अब आप क्या कहेंगे? बताइए, मैं कहना यह चाहता हूँ भाई साहब से, ये जो वेदों की जितनी बात चल रही है हर जगह अपने विश्व में, ये तो 4 वेद और 6 शास्त्र और 18 पुराण ये टपके नहीं है कहीं रूस ना जापान में, और टपके हैं सिर्फ इस भारत में। तो एंटीना वालन के मकान वो कौन से एंटीना थे, किनके यहाँ ये टपके थे, इसके बारे में आप बताइए। सर देखिए, इनका कहना है कि ये वेद पुराण जो है केवल भारत में ही क्यों आए, बाकी और देशों में क्यों नहीं है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो इनने जो कही है कि ये वेद 4, 6, 7, 18 पुराण मतलब कहाँ से आए, इनका कहने का मतलब सीधा ये हुआ और मतलब भारत में ही क्यों, भारत में क्यों आए? देखिए, क्योंकि भारत में ही लोग भगवान को मानने वाले हैं। जितनी भी भगवान जब भी आता है धरती पर, भगवान भारत में ही आता है, क्योंकि सुनिए मेरी बात पूरी, भगवान इसलिए आता है कि ये धर्म भूमि ही भारत की धर्म भूमि है और कहीं धर्म भूमि नहीं है। हर जगह हर देश में आप जाइए वहाँ नास्तिकता है, अत्याचार है, दुराचार है, वेश्याचार है। जहाँ भगवान जाता है वहाँ पर थोड़ी भावनाएँ अच्छी हो भगवान वहाँ जाता है, जिनके अच्छे विचार हों, जहाँ भगवान को चाहने वाले लोग हों वहाँ भगवान जाता है। रही बात 4 वेद की 4 वेद 6 7 18 पुराण, 18 पुराण के मत के मत हैं जो ऋषियों ने लिखे हैं वो पुराण हैं, 6 वेद हैं जो 4 वेद हैं जो वेद सागर मंथन से निकले हुए हैं। अब इन पे कब्जा किने कर लो जा आप बताओ, कब्जा हम बता दे। वेद तो श्रीमान जी 5 मैंने सुना है, आप तो 4 बता रहे हैं। देखिए, आपने 5 वेद नहीं सुना, अब तो 4 ही वेद बता रहे सब। जा तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि 5वां वेद वो सूक्ष्म वेद है, जा तो जगत वाले को 4 जितने भी जगत वाले हैं ने 4 ही वेद सुने, को भी बतावे हमें आके 5वां वेद में जानत। 5वां वेद संत रामपाल जी महाराज जी ने बताओ कि 5 वेद हैं वो सूक्ष्म वेद है, जो परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी की द्वारा वाणी अवतरित हुई वो है 5वां वेद। क्या कहना चाहोगे? छोड़ो ये बताओ, संत राम आपके संत रामपाल जी महाराज भगवान है, इनके शिष्य, इनकी आत्मा, इनके बच्चे उगर दूसरे देश में नहीं है क्या, उनको दर्द नहीं होता? आपके भगवान तो सेल्फिश हो गए, कह रहे जहाँ हमें माने वहीं हम जाएंगे, अब बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, उनके बच्चे नहीं है क्या पूरे देश में, वहाँ पे क्या उनके बच्चे नहीं है, उन्हें दर्द पीड़ा नहीं हो रही? उनको भी समझाओ, उनको भी फुसलाओ, उनको भी लेके आओ अपने धर्म में। आप तो भगवान सीधे सीधे बोल रहे हैं कि कम्फर्ट ढूंढ रहे हैं, जहाँ माने उधर ही जाएंगे, नहीं तो बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, ये क्या है? आपने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि और भी देश है क्या, वो वहाँ पर जो इंसान है वो भी भगवान के क्या बच्चे नहीं है? भगवान के पूरी पृथ्वी पर जितने हैं सब बच्चे हैं, 21 ब्रह्मांड में हैं वो भी बच्चे हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए ही ये तरीका अपनाया है भगवान ने। आज तुम्हें बता दें, तुमने कहीं वहाँ भी जाओ उन्हें समझाओ, उनके जाने के लाने जो तरीका, जो सोशल मीडिया है, जो भी भगवान ने उन्हीं के लाने बनाओ। सुनो, आज एक जगह बैठ के सुनो, पहली बार साइंस में ही आ रहे हो और कुछ नहीं है। साइंस किसने, हमने पहले बता दिया कि साइंस को बनाने वाला भगवान है, इंसान बनाया वो भगवान ने बनाया, उसी के द्वारा बनवाया। तो जो एक जगह बैठ के भगवान पूरे विश्व को बताना चाहता है कि वो भगवान कहाँ है, कैसा है, वो जो मानेंगे एक्सेप्ट करेंगे वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण लेंगे। आज कई देशों में ऐसे लोग हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी को अपना रहे हैं, और सबको भगवान चाहता है कि सबका कल्याण हो, और जो नहीं मानेंगे वो अपने कर्म फल के आधार से वो मर जाएंगे। बताइए सर, क्या ठीक है, हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि विज्ञान है तो प्रैक्टिकल है, विज्ञान फैक्ट पर चलती है, ठीक है। जब हमें भगवान मिलेंगे, जब वो हमें दर्शन देंगे, कुछ भी हो, जब हम भगवान को मान लेंगे, कि बाकी इस डिबेट को खत्म करते हैं, हमारा कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है, बस यही निकला है कि आपके हिसाब से भगवान है और भगवान केवल पूर्व परमात्मा आपके हिसाब से कभी साहब है, तो वो हम बाद में सर्च करेंगे, बाकी इस डिबेट को खत्म करते हैं, ठीक है। उदास को देखिए, आज की ये डिबेट समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।